मेरे अजीज हमवतनों, तो हम आज आपके पास लेकर आए हैं एक बिल्कुल देसी डिश विद अ सक्सेसफुल स्टोरी। वी आर एट रिसाला रोड नियर गोल्ड बिल्डिंग गेट हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद राहिल है। अब्दुल्ला फिश पैन गोल्ड बिल्डिंग पे हमारी शॉप है। हमने ये काम तकरीबन 12 से 13 साल हो गए जब से शुरू किया है। ये हमारे वाले साहब तो जो है कच्ची मछली का काम करते हैं, लेकिन हम लोग भी फ्राई मछली गोल्ड बिल्डिंग पे सेल करते हैं। यहाँ जो है कस्टमर को जो वैरायटी पसंद है उसमें गौ फिश होती है, संगरा मछली होती है, फिंगर फिश वगैरह, पापलेट वगैरह, चिकन चरगा होता है, और इसके अलावा जो है फिश के गोला कबाब वगैरह, ये ज़्यादा पसंद किए। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ तकरीबन 10-12 साल में मेहनत की है, इसकी वजह ये है उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना। कस्टमर को जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है क्वालिटी, ठीक है सर। अगर क्वालिटी नहीं देते हम तो इसमें बहुत नुकसान वाली बात है। सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो है वो हमारे पास ये है रोहू। इसका नाम है रोहू फिश, ठीक है। बिगर कांटे की होती है, एक हड्डी होती है इसमें, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जायके वाली ये मछली, ठीक है। इसके बाद आती है ये संगरा मछली, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि एक हड्डी होती है बीच में, कांटा नहीं होता। इसके बाद फिर ये इसकी स्पेशल चीज़ ज़्यादा है। फिर है ये फिंगर फिश जो क्रिस्प स्टाइल जो होता है उस मसालों में बनती है, जैसे आप ये नगेट्स वगैरह जो होता है जी, उस स्टाइल में बनती है, बोनलेस होता है, ठीक है सर। इसके अलावा ये होता है चिकन चरगा, ठीक है। ये चिकन हुआ होता है लेकिन मसाले इसके कढ़ाई में तला जाता है, वो इसको चिकन चरगा कहता है। अच्छा, ये है फिश गोला कबाब। ये फिश प्योर फिश के बने हुए और स्पाइसी होते हैं, बहुत क्रिस्पी स्टाइल में जाता है। ये हाफ फ्राई ही को काट के वापसी का प्लीज़, अगर कस्टमर की फरमाइश के ऊपर होता है कि साबुत बनाना चाहे साबुत बन, उसमें ज़्यादा जो है क्रिस्पी नहीं होता। अगर इसको काट के बनाते हैं तो फिर क्रिस्पी ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये रोहू फिश ट्राई करेंगे। तो जो मछली वाला वो होता है ना के जी इंसर होता है कि इसमें बदबू आती है, वो हमें फील नहीं हो रहा सर मछली है। दूसरी ये है कि इसका मसाला बहुत अच्छा है। तीसरा ये कि इसकी जो क्रंच है ना, आपको आवाज़ आ रही होगी वैसी कि क्रंच जो है उसकी, आप देखें इसको डबल फ्राई किया हुआ है इन्होंने, हाफ निकाल के देख रहे हैं, एक एक पीस इसका अलग हो रहा है। ये देखो और फ्रेशनेस देखें इसकी, मछली की फ्रेशनेस चेक करिए। देख रहे ये है मछली का गोला कबाब। देखिए इसमें खूबसूरती यह है कि इन्होंने कीमा की तरह बनाया हुआ है, ये सारा अंदर ही मसाले मौजूद हैं, आप ये देखें। वाकई बहुत टेस्टी है। बाकी दो आपको फ्राई भी बताएंगे। ये इन्होंने संगरा फिश इन्होंने जो है बनाई है, ये फ्राई इन्होंने की है
और आप इसके ऊपर देख सकते हैं मसाला ज़्यादा इसमें कैसे इसमें लगे हुए। एंड लेट्स टेक अ हैव अ बाइट। वेरी टेस्टी, यू नो मुंह में जाते के साथ ही वो जो जूसी एलिमेंट इसके अंदर है और मसाले का जो इसमें कॉम्बिनेशन है वो बड़ा कमाल है इसमें। और थोड़ा सा क्रंच है ये, और जूसी के साथ अगर आपको क्रंच का टेस्ट आपको मिल जाए तो यू नो क्या इसमें टेस्ट आ रहा होगा। मुंह में कांटा रखते हुए शूटिंग कराना और तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बोनलेस है फिंगर फिश, और कैन यू जस्ट लुक इट आउट द कलर ऑफ वाइटनेस कलर ऑफ दैट फिश। ये देखिए ये फिश का कलर, और इफ आई कैन शो यू द फिश वॉर्मनेस, आपके हाथ जो इस टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं वो, और इसकी सफ़ेदी और इसकी जो है वो शफाफियत आप देखते हैं। And just let me take it out with just chutney. बहुत ही crunchy, बहुत ही tasty. यानी कि इसमें जो crunch के साथ real fish का taste आ रहा है, इसमें खालिसतन मसाले का कोई taste नहीं है, fish का जो taste है वो इसके अंदर आपके पास आ रहा है। So you know, if you are going to try some fish, you must try, must visit. अपनी फिंगर के अलावा ये कोई और फिंगर है जो हमने अपने इसमें ली। वाकई मज़ा आ गया, यानी कि इसका देखने से दिल चाहता है आपको ये खाने का, और वाकई एक बाइट लेने के बाद तो फिर आपको हाथ ना रुकने का दिल चाहता है। ये वो तारीफ नहीं है जो फॉर्म साहब अक्सर करते हैं, ये वाकई पेट से निकली हुई तारीफ। फॉर्म साहब यू रियली मिस जी। हम चार के व्यूवर्स, तो ये आपने देखे राहिल साहब की जो सक्सेस स्टोरी है ये आपने यहाँ देखी। जो हमारा मकसद है यहाँ पर वो सक्सेस स्टोरी लेकर आना है जो बिल्कुल नीश, जो बिल्कुल निचले लेवल से आए और जो है वो यहाँ पर उन्होंने तरक्की हासिल की। तो 12 साल का सफ़र कुल इनका, 35 साल का सफ़र इनका रहा, और यहाँ इन्होंने हमें रेसिपीज़ उन्होंने कुछ हमें बताए, कुछ अपने तरक्की के किस्से उन्होंने हमें बताया, तरक्की के जो इन्होंने प्रोसीजर्स किन किन तरीक़ों से ये लोग होते हुए आए, कैसे इन्होंने रेसिपी पर काम किया, कैसे इन्होंने सीखी, कैसे ये नई चीज़ें लेकर आए, ये इन्होंने हमें इनसे रोशनास करवाया। तो ये थे हमारे राहिल साहब, और ये शॉपकीपर हैं अब्दुल्ला फिश पॉइंट के नाम से, गोल्ड बिल्डिंग पर है ये, और हैदराबाद की ये जो चंद मशहूर जो फिश पॉइंट्स हैं ये उनमें से एक है। सो वी विल रिकमेंड यू कि आप आएँ और इनकी ये नई डिशेस जो हैं ये ज़रूर टेस्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहिए, देखते रहिए हम फोर एट रोड्स पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।